मदर्स डे का ग्रीटिंग कार्ड। तो हमने कार्ड ले ली है, ये येलो कलर है और ये वाइट स्ट्रिप। इंटीरियर में भी हमें डेकोरेट करना है वाइट पेज लगा के, और बाहर भी लिखना है कुछ। तो चलिए किस बात की देरी, हमें बनाते हैं इंटीरियर। तो हमने ले ली है एक और शीट वाइट कलर की, हमें इसे अंदर लगाना है ताकि हम यहाँ पे कुछ लिख सकें और मैसेज दे सकें। एंड हम यहाँ पे इसे हाफ करेंगे, हाफ करके यहाँ पे लगाएंगे। तो हमने इसके इनसाइड वाइट पेपर लगा दिए है। एंड मैं अक्सर तो मैंने यहाँ पे मदर रफली लिख ली है, एंड यहाँ पे छोटा सा एपोस्ट्रोफी एंड एस ऐसा लिखने वाले हैं हम मदर्स। थोड़ा सा स्लैंटिंग हो गया है ये, आप सीधा लिख लो। एंड हम यूज़ करेंगे ये वाले मार्कर, यहाँ पे टेप लगाएंगे। तो चलिए लिखते हैं, मेरे पास तो टेप ही नहीं है पेपर में लगाने के लिए। चलो छोड़ो, हम लाइन से ही काम चला लेंगे। तो हमने लाइन डाली है, इतना हम नहीं लिखेंगे। एंड नाउ इट्स टाइम टू यूज़ आवर मार्कर। अरे खुल जा, खुल नहीं रहा है, एक हाथ से, दोनों हाथों से खुलना पड़ेगा इसे। मानता नहीं है मेरा ये। ओके देन, यहाँ से यहाँ तक बहुत केयरफुली इसे लिखना पड़ेगा, हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड इट्स डन हाफ, यस। अभी तो सिर्फ हमारी यम कंप्लीट हो पाई है, अभी ओ टी एच आर ई एस भी है, लेकिन चलो करते हैं। दिस इज़ ओ एंड दिस इज़ टी, ऐसे लिखते हैं, इजी हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन्स है ना। ये टी हो गया हमारा एंड एच, यहाँ पे लाइन नहीं डाल सकते क्योंकि ये जो गैप है ना उसमें ही लाइन आ जाएगा। द नेक्स्ट लेटर ई, इसका भी सेम है, यहाँ पे आर। ये थोड़ा सा नीट लिखना पड़ेगा वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। एंड इट्स ओ, अरे नहीं अभी तो एस है, इसे कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एपोस्ट्रोफी एंड यस। तो अभी हमारा काम हाफ हो चुका है, अभी इसे डार्क करना पड़ेगा। मैं अक्सर अपनी वीडियोस शाम में डालते रहती हूँ 5 बजे, तो उस टाइम पे आप जाके चेक कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे मैं शाम में डालती हूँ वीडियोस, और संडे सैटरडे वगैरह वगैरह जब हॉलीडेज रहते हैं तो सुबह 12 बजे या तो कई बार शाम भी डाल देती हूँ, क्योंकि जब मैं फ्री होती हूँ ना तभी वीडियो बन पाती है, और एक एक दिन तो मेरे पास टाइम ही नहीं रहता वीडियो बनाने के लिए, तो नहीं डाल पाती हूँ। लेकिन जो मैंने टाइम बताई है उस टाइम पे आप जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पे वीडियोस होंगे, आप देख सकते हैं। तो ये डार्क हो गए हैं, एंड नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे हमें लाइंस डालने हैं स्केच पेन से। कम्प्लीटली जो ये मदर से था उसे ब्लैक स्केच पेन से हमने कम्प्लीटली डार्क कर लिया है। अब आती है हमें शेडिंग की, तो हम यूज़ कर रहे हैं रेड एंड पिंक स्केच पेन। देन लेट्स गो, शेडिंग कर लिया है विद यूजिंग रेड एंड पिंक स्केच पेन। तो यहाँ पे लिखने वाली है हमें, यहाँ पे ही यहाँ पे लिखते हैं एंड हम थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे हैप्पी भी लिख दिया, अब बारी है यहाँ पे लाइन डाल के देर लिखना। तो चलिए लिखते हैं किस बात की देरी हमें। यहाँ पे टचअप देने थे वो भी हो गई है हमारी, तो ये इंटीरियर और भी डेकोरेट करना है। अरे अरे रुको रुको, ये तो बस ट्रेलर है, अभी हमें बहुत सारी डेकोरेशन करनी है इसमें। अब यहाँ पे कलर करना है रेड, यहाँ पे ग्रीन, क्योंकि जहाँ पे वाइट छोड़ा है वहाँ पे क्रेयॉन या पेंसिल कलर से कलर कर देंगे। और यहाँ पे भी तो डेकोरेशन करनी है हमें, एंड एक्सटीरियर भी करनी है। कंप्लीट हो गई है, एंड यहाँ के बारी मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे रेड पिंक एंड पर्पल, ये वाली पर्पल। ये जो है ब्लैक वाली शेडिंग करने के लिए, यहाँ पे उल्टा हो गया वो, चलेगा लेकिन ये तो सुंदर दिखता है, जस्ट लुकिंग लाइक वाव। ओके, तो यहाँ पे जो खाली पेज है यहाँ पे हम लिखेंगे, लेकिन क्या लिखूँ अगर आपको पता है तो ज़रूर मुझे कमेंट करना वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो पहले हम पेंसिल से लाइन डाल देंगे, फिर ये लिखना वगैरह जो है कर लेंगे। हमारे यहाँ पे करंट चली गई थी तो आपको थोड़ा सा डल दिख रहा था, अभी करंट आई है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लाइन डाल ली है इस छोटी सी पेंसिल से। यही था तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी यार, कहीं फिर से ना करंट चला जाए। कौन सा कलर यूज़ करूँ आपको, वैसे आपको कौन सी कलर पसंद है ये भी कमेंट कर देना। मैं फर्स्ट पिंक यूज़ करूँ, नहीं नहीं रेड यूज़ करूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे, नहीं पहले पेंसिल से लिख लेंगे वरना रॉन्ग हो जाएगा। लिख लिए हैं जो लिखना था पेंसिल से लिख लिया, अब स्केच पेन से अलग अलग कलर्स यूज़ करके मैं यहाँ पे लिखूँगी। फर्स्ट रेड फॉर द, यहाँ पे अलग कलर यूज़ करूँगी, ये पिंक वाली जो है, वर्ल्ड। ओके देन कंटिन्यू विद द रेड, यू आर माय, फिर से अलग कलर, तो पर्पल यूज़ करूँगी यहाँ पे, मदर। एंड फिर से
ये वाले, बट फॉर मी यू आर पिंक होल लिखने के लिए यानी पूरी, एंड पर्पल फॉर द वर्ल्ड तो मेरे लिए पूरी दुनिया। ओके देन इट्स टाइम फॉर रबिंग। मैं सारी लाइन्स एंड लेटर्स इरेज करूँगी ताकि को पेंसिल से जो लिखा है रफ वर्क होता है तो मैं उसे रब करूँगी। एंड यहाँ पे रब करके थोड़ा डेकोरेट करना है। अभी यहाँ का भी तो करना है। ओके देन आई एम रबिंग हियर। थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ यानी इरेज कर रही हूँ, तो आप मेरे जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे और वीडियोज़ आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रही है। एंड मैंने कई ड्राइंग टिप्स भी शॉर्ट एज अ शॉर्ट वीडियोज़ डाले हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाकर चेकअप कर ले। मैं क्राफ्ट ट्रिक्स यानी जो एक ही पेपर से बनाते हैं बटरफ्लाई बोर्ड वगैरह वगैरह, वो उन्हें भी मैंने दिखाया है शॉर्ट में, तो आप वहाँ पे जाकर चेक करेंगे तो मिल जाएंगे। बहुत अच्छा अच्छा आइडियाज हैं। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, फॉर द वर्ल्ड यू आर माई मदर बट फॉर मी यू आर द होल वर्ल्ड। तो अभी बारी आती है शेडिंग की, जो मैं इस तरह से करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही इंक छोड़ रहा है, तो मैं थोड़े मतलब केयरफुली लिखने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो लगता है ख़राब हो रहा है, ऐसा हो गया तो पूरा मेहनत ही ख़राब हो जाएगी मेरी। प्लीज़ कुछ मत करो। तो ऐसे दिख रहा है, आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ताकि मुझे पता चल सके कि ये कैसे हुआ है। अब मम्मी को तो दिखा नहीं सकती हूँ ना, ये एक सरप्राइज है। ओके बस कुछ और बची है। आप देख सकते हो मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी टिल द वर्ल्ड लास्ट वर्ल्ड तक। बड़ी मुश्किल से मैंने ये शेडिंग की है। अब इसको क्या आप बताऊँगा, इसे रखते हैं और क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे डिज़ाइन करना है। वैसे आप क्या कर रहे हो अपनी मम्मी के लिए, मुझे ज़रूर कमेंट में बताओ। मुझे शायद ऐसे बॉक्स लगाना है, इसके अराउंड लाइंस लगाई हैं ताकि ये हाईलाइट हो सके। एंड यहाँ पे कुछ स्टिकर्स लगाएंगे, टेडी बियर ड्राइंग करेंगे। मैं पहले पेंसिल से लगाते हैं। मैंने टेडी बियर बनाने की जो ईजी ट्रिक है वो है स्टिक्स से बनाना, ये मैं और भी परफेक्ट करूँगी। इसका वीडियो मैंने शॉर्ट के तरह मैंने डाला है अपने चैनल पे, आप देख सकते हो जाके। बहुत ही इजी तरीके से आप टेडी बेयर को ड्रॉ कर सकते हो। तो अभी हम इसे नीट करेंगे। ये सो मैंने टेडी बेयर कर लिया है, एंड इसे ब्लैक स्केच पेन से डार्क करके यहाँ पे थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स लिखूंगी। स्केच पेन से यूज़ करके आप लिख सकते हो, या तो ब्रश पेन मिलेंगे उससे लिख सकते हो। इट्स रेडी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। बस टेडी बेयर को कलर करने रह गई है, उसे भी कलर कर दूंगी तो इंटीरियर वाली जो डेकोरेशन थी वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगी। एंड यहाँ पे जो आउटर जो सरफेस है वहाँ पे मैं स्टिकर लगा के कुछ डेकोरेशन कर दूंगी। वैसे आपको कैसी लगी ये इंटीरियर, मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो मैंने हर लेटर के लिए एक एक शेडिंग की है ब्लैक शेड से, और यहाँ पे उल्टा हो गई। खैर कुछ फ़र्क नहीं होगा। शीट ले ली है यहाँ की जो बाहर की स्टिकर बनानी थी, और मैंने कट भी कर ली है। मैं यहाँ पे स्केच पेन यूज़ करके लिखूंगी। पहले पेंसिल से लिख लेते हैं। पर्पल पेंसिल यूज़ करके मैंने लिखा है यहाँ पे हैप्पी विशेस फॉर अ स्पेशल डे, ताकि पता ना चले पहले ही, जो आउटर जो बाहर की देख के ही पता ना चले कि ये किस डे की विशेस हैं, सस्पेंस रहे। और मैं बॉर्डर भी बना रही हूँ तीन कलर स्केच पेंस लेके, एक पिंक, रेड और पर्पल। और मैं पहले वाली बॉर्डर जो है रेड करूँगी, फिर पर्पल सॉरी पिंक, और आखिर में पर्पल। मैं जब तक ये स्टिकर बना रही हूँ, आप जाकर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन बटन दबाइए। और ये कट भी कर लूँगी मैं, और इस पर मैं टेप लगाकर एज ए स्टिकर लगाऊंगी बाहर, और जो लेबल होती है ताकि पता चल सके कि किससे ये ग्रीटिंग कार्ड आई है, इसलिए मैं लेबल लगाऊंगी। और फ्रॉम लिख के वहाँ पर मेरा नाम और जिस चीज़ का नाम लिखना है आप भी लिख सकते हो, उसे मैं
टेप लगा के एज स्टिकर नहीं लगाऊंगी, सिर्फ पेपर। और थोड़े डेकोरेशन के लिए रोज़ भी बना दी है मैंने, रेड कलर की रोज़ेस, एंड लीव्स भी बनाने हैं तो बना दी है मैंने ग्रीन कलर स्केच पेन की। डार्क ग्रीन नहीं यूज़ किया क्योंकि वो कलरफुल और ब्राइट नहीं दिखेगा, तो रेड और लाइट ग्रीन से मैंने रोज़ और उसके लीव्स बना दिए हैं। तो ये हमारा ग्रीटिंग कार्ड रेडी है। ऐसे और आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना आपने क्या किया है अपनी मम्मी के लिए। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स इन एडवांस।